खोलेंगे सर्राज राजनामा दुनिया के साथ। मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा, तीन तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं, एक घर दो कानून से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में गैर भाजपा दलों की बैठक पर वे बोले, इन सभी दलों के घोटाले को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। प्रधानमंत्री भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव और 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करने आए। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। यहां सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पीएम ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश में 5 नई वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत की। जो भी तीन तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीन तलाक से नुकसान का दायरा बड़ा है। बहुत अरमानों से पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है। 8-10 साल बाद बेटी वापस आती है तो उसका भाई, पिता सब उसकी चिंता में दुखी हो जाते हैं। तीन तलाक का इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया के मुस्लिम बहुमूल्य देश इसे खत्म नहीं करते। मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम हैं। 80-90 साल पहले वहां तीन तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? मुस्लिम बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। इसलिए मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां भाजपा और मोदी के साथ हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।